वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। मेरठ के बहसुमा क्षेत्र में एक युवती का अपहरण व गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि आधार कार्ड सही कराने आई युवती को दूसरे समुदाय के दो युवक अपहरण कर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में बेसुध युवती को रामराज हस्तनापुर रोड स्थित एक महिला चिकित्सक के यहां भर्ती कराकर फरार हो गए। पुलिस ने दो दिन तक इस मामले को दबाए रखा, लेकिन फिर दबाव पड़ने पर अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर मेरठ के पुलिस कप्तान रोहित सजवान का कहना है कि युवती अपनी मर्जी से युवक के साथ होटल गई थी, छानबीन की जा रही है। बीते बुधवार को रामराज थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती रामराज स्थित मंदिर वाली गली में बालाजी कंप्यूटर सेंटर पर आधार कार्ड ठीक कराने आई हुई थी। तभी दो युवक बाइक पर आए और युवती को ले गए। रिपोर्ट में ऐसा आरोप लगाया गया कि खेतों में किसी नलकूप पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। देर रात रामराज थाना क्षेत्र के गांव हासिमपुर निवासी हर्षित व ऋतिक के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस बारे में एसएसपी रोहित सजवान ने यह जानकारी दी है। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाने के अंतर्गत एक लड़का और लड़की निवास करते हैं। वो आपस में बात करते हैं, उनका प्रेम प्रसंग है और उसके बाद जो युवती है उसकी लड़के से बात हुई और वो हमारे यहाँ जनपद में भैसुमा थाना के अंतर्गत आए मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। और जो युवती है वो अपनी छोटी बहन के साथ आई थी और अपनी छोटी बहन को ये बता के चली गई कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और उसके साथ उसके बाद वो एक लड़के के साथ एक होटल में गई है और होटल में जाके उससे मिली है। और उसके बाद आके ये छोटी जो उसकी बहन है उसके द्वारा अपने परिजनों को ये बात बताई गई कि उसकी जो बहन है वो कहीं चली गई है। तो उसके परिजनों ने आके थाना भैसुमा में, पहले वो अपने जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाने पे गए और वहाँ से उनको फिर हमारे यहाँ भेजा गया, जिससे हमारे यहाँ फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया। संपूर्ण प्रकरण में जो अभी तक प्रारंभिक जाँच की गई है उसमें पता चला है युवक और युवती बालिग हैं, दोनों आपसी सहमति से यहाँ पे आए थे और एक होटल में रुके थे। और उसके बाद उनके परिजनों को इस बात की जानकारी हुई, उसके बाद ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें सभी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की जा रही है। जिस होटल में वो रुके हैं वहाँ से जो उनके कार्ड्स हैं, जो आईडी कार्ड उन्होंने वहाँ दिए हैं, उसको भी अभी लिया जा रहा है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। किडनैपिंग और दुष्कर्म की धारा में हुआ है, दुष्कर्म की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक जाँच हुई है उसके आधार पर किडनैपिंग का मामला अभी तक नहीं लग रहा है। हाँ, प्रेम प्रसंग का मामला नजर आ रहा है। अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि हमारा साक्ष्य संकलन चल रहा है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हम रिट्रीव कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस होटल में वो रुके हैं उस होटल के आईडी कार्ड्स और वहाँ के जो रजिस्टर्स हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।